ना मुन्नावर का लाइक एमसी सैंड के कंपेयर से एटीट्यूड थोड़ा अलग है मुन्नावर का. सो द विनर इज मुन्नावर. मुन्नावर है पर ऐसा देखा जाए तो एमसी स्टैंड थोड़ा बेटर है. एंड विनर ऑफ बिग बॉस सीजन 16 गोस टू एमसी स्टैंड. सावरी ब्यूटीफुल एंड हैंडसम पीपल ऑफ इंडिया, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल. और आज मैं लोगों से पूछने जा रहा हूँ उसके फेवरेट बिग बॉस विनर कौन है, एमसी स्टैन या मुन्नावर फारूकी. बिकॉज ये दोनों रैपर भी है और दोनों बिग बॉस में बहुत हेवी ओट से जीते थे. पब्लिक पागल हो गई थी जब इन लोगों का फिनाले आया था. तो और मैं बोला बहुत सारी सिमिलरिटी भी है तो लोगों से पूछते हैं उसके फेवरेट विनर कौन है. और मैं यहाँ पे काउंटिंग भी देखे रखा हूँ किसके फैन ज़्यादा मिलते हैं, आपको वीडियो के एंड तक का मालूम हो जाएगा. एंड वीडियो के एंड में मैं बताता हूँ कि मेरा फेवरेट कौन है, एमसी स्टैन या मुन्नावर फारूकी, सब मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा. चलो पहला वीडियो देखते हैं. आइए देखते हैं मजा आएगा. Who is your favorite Big Boss winner, मुन्नावर फारूकी और एमसी स्टैन? मुन्नावर फारूकी. मुन्नावर? I guess मुन्नावर. Okay. Why मुन्नावर? Why not स्टैन? वैसे तो अगर मुन्नावर और अभिषेक में होता तो मैं अभिषेक को चुनती. बट आई मुन्नावर अगर एमसी स्टैन और मुन्नावर का है तो मुन्नावर आई थिंक. क्योंकि एमसी स्टैन ने इतना कुछ किया नहीं उसके सीजन में. right. मैंने जितना देखा उतना तो इसके लिए. तुमको? सेम. फर्स्ट टाइम एमसी स्टैन छपरी है इतना बोल सकती हूँ. साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो. आपके फेवरेट बिग बॉस विनर एमसी स्टैन और मुन्नावर फारूकी? एमसी स्टैन भाई ना. एमसी स्टैन ना मुन्नावर फारूकी. अभिषेक दिल जितना बंदे ने भाई समझ रहे हो. एक्चुअली ये बाकी सब वोटिंग वोटिंग के से उसका वोट ज्यादा था लेकिन जो खेला बंदा अभिषेक था वो खेला है वो उसने भी एक्सेप्ट भी किया है. और मुन्नावर भी जब अपने मतलब ट्रॉफी मिला मुन्नावर अपने क्राउड में भी था ना तो बोला कि भाई अपने भाई के लिए स्टैंड करो. तो अपने अपने फैंस लोग से अच्छा लगा मुन्नावर की भाई उसने उसको भी मतलब इज्जत दिया. तो बट ये दोनों में से बिकॉज ये दोनों विनर है तो किसी को चूज करना रहे फेवरेट विनर मुन्नावर या एमसी स्टैन? बोला जाए तो एक दो रैप सुने उसके. स्टैन का गाना इतना भाई डोंगरे वो डोंगरे में रहता है हम लोग के इधर ही रहता है तो उसके लिए. हाँ तो ट्रॉफी हम लोग के इधर ही आई है तो फिर हक से वो ही है. आपके फेवरेट बिग बॉस विनर मुन्नावर फारूकी और एमसी स्टैन? मुन्नावर फारूकी. मेरे दोनों भी है, एमसी स्टैन वाला भी मैंने देखा था और मुन्नावर भी. दोनों भी है. कोई एक चूज करना रहे फेवरेट विनर तो? मुन्नावर. क्यों मुन्नावर क्यों बताओ ना जरा? क्योंकि अच्छा लगता है वो पहले से, जैसे उसका स्टैंड अप कॉमेडी भी था फिर उसने लॉकअप में भी अच्छा किया था. हाँ मैंने देखा. हाँ और फिर अभी ये भी इसमें भी उसका अच्छा था. लॉकअप में जब वो था ना तब उसे इतना कोई जानता नहीं था बट अभी ऐसे जैसे बिग बॉस में आया तो वो काफी हो गया बड़ा शार हो गया. हाँ वो तो है. हाँ वही इसके लिए. तुमको क्यों मुन्नावर की बातचीत वो क्यों नहीं? बस पसंद है. और स्टैन पसंद नहीं है उतना? नहीं वो थोड़ा छपरी टाइप लगता. साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे. हम लोग एमए गए के फैन है ना इसके. एमए गए के? हां. ओके. एमसी स्टैन. एमसी स्टैन. एमसी स्टैन. ओके. तुमको मुन्नावर क्यों स्टैन क्यों नहीं? अच्छा हो. अच्छा हो गया. अच्छा हो. अच्छा हो गया. हां तुमको. हां ये कर लो पहले. अच्छा हो. अच्छा हो गया. तुमको? अच्छा हो. एमसी स्टैन. ओके. अच्छा चले क्यों हम लोग के पास भी स्टैन है वो देख किस तरह से. तुमको स्टैन क्यों? हां स्टैन क्यों मुन्नावर की नहीं? नहीं भाई नहीं पसंद मुन्नावर. पसंद नहीं मुन्नावर? ओके. बट स्टैन ही पसंद है. फेवरेट बिग बॉस विनर अरिजीत सॉरी मुन्नावर या मुन्नावर और मुन्नावर? मुन्नावर. सॉरी आई डोंट वॉच बिग बॉस सो आई कांट रियली टेल. तो रहने दो फिर. यू व्हाई मुन्नावर? एज आई टोल्ड लाइक like a stand-up comedy and MC Stan is for rapper and I prefer stand-up comedy like comedy who makes me laugh through which I can relate something or whenever I'm sad at least I can watch him. Through rapper I can't relate anything. I can't have that funny thing in my mind. If you are sad and if you will go to listen rap now you will get more confused. What the hell? क्या हो रहा है भाई? हाँ भाई exactly. क्या सुन रही हूँ मैं अभी? हाँ exactly. तो okay तुमने. I'm not judging anyone but as my choice Munawar is better than MC Stan. Okay. Munawar Faruqi. Both. क्योंकि दोनों अपने अपने लेवल पे ना स्टैंड बाय बेस्ट टू बेस्ट है. बट वो ये कि मुन्नावर के तो हम लोग डोंगरी के. अच्छा आप लोग डोंगरी? हाँ तो ऑब्वियसली मुन्नावर. मुन्नावर फारूकी. मुन्नावर क्यों जाना बताओ ना स्टैंड ही क्यों नहीं? एमसी स्टैंड भी है नहीं ऐसा नहीं उसने भी परफॉर्म करके ही आगे गया सही है. लेकिन मुन्नावर का ऐसा हम लोग के साथ ही था ना यानी हम लोग के एरिया का ही है. नेपोटिज्म और उसने खेला भी अच्छा है तो उसके लिए वही. आपका मुन्नावर?
बेसिकली उसकी ना जो अट्रैक्ट करती है ना जो शायरी, जैसे ये शायरी में मास्टर है ठीक है, और अपना एमसी स्टैंग जो है इसका करता है रैप का है, तो दोनों मैंने पहले भी बोला दोनों बेस्ट है, पर हम लोग डोंगरी वाले तो सपोर्टिंग ज़्यादातर उसको ही की हम लोग ने मुनव्वर को। फेवरेट बिग बॉस विनर एमसी स्टैन और मुनव्वर फारूकी? एमसी स्टैन। एमसी स्टैन, एमसी स्टैन। ओके, क्यों एमसी? नो चीटर्स, नो चीटर्स। ओके ओके ओके, बट यार इट वाज नॉट लाइक ही वाज नॉट, ही डिडंट चीटेड एक्चुअली, वो ही वाज डबल डेटिंग, ही वाज नॉट इवन डबल डेटिंग, ही वाज चार पांच लड़कियों के साथ बार बार, क्या मतलब शादी भी करो रिश्ता भी दो, मैं तेरे को स्टैंड अप पे भी रखो, स्टैंड बाय पे भी रखो। डूड मेरे को लग रहा है ऐसा ऐसा मना रहे ज्यादा तो तुम लोग इससे रहो। अरे नहीं, मैं एकदम दिल से चाहती थी कि अभिषेक जीते, अभिषेक उसने ज्यादा अच्छा भी किया भाई, मुनव्वर से वो सोते सोते भाई कैसे जीत गया, क्या मालूम खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। एक्चुअली मैं ना ये चीज को तो जस्टिफाई कर सकता हूँ कि वो डबल डेटिंग नहीं कर रहा था, अपने सबके लाइफ में एक टाइम पे आता है अपन कंफ्यूज होते हैं कि यार ब्रेकअप में वो छोड़ू नहीं, इफ यू आर कंफ्यूज देन आपके जो भी कंफ्यूजन है समझो, अगर मेरा एक पार्टनर है तो मैं उससे डिस्कस करूंगी, ये नहीं कि चल चार लड़के आ जाओ मैं तुम्हारे साथ सिचुएशनशिप का गेम खेलूंगी, ऐसा नहीं होता है। अगर तुम्हारे पास पार्टनर है तो भाई इफ यू आर डेटिंग देन अदर वो जेंडर के लोग तुम्हारे लिए एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए, राइट? बट ही वाज नॉट डेटिंग, नो ही वाज डेटिंग वो लड़की नाजिला, नाजिला शादी किया उसने उसके साथ, एक के साथ शादी किया, नाजिला के साथ रिलेशन में आया, सिचुएशनशिप में आयशा के साथ रिया और शिवांगी, क्या शिवानी, वो उसको रिश्ता देकर आया, उसके साथ वो बेंचिंग कर रहा था भाई, इसने सब टेंजी, अब हम लोग को टेंजी बोलते हैं भाई, इतने बड़े लोग क्या कर रहे हैं, उसने चार पांच रिलेशन रख रहे भाई। डूड मेरे को लग रहा है आयशा की जगह पे ये जाती ना मुनव्वर के लाइफ को वाट लगा देती है। हाँ तो मैं अभिषेक चाहता, अभिषेक चाहती थी मैं दिल से, बट यू नो अभिषेक वाज डिफेंडिंग हिम इन द शो, ही वाज लाइक अरे ठीक है होता है, ठीक है नहीं, उसने बोला जो गलत है वो गलत है, पर बट अभिषेक आल्सो अभी वो मुनव्वर को पूरे फ्रेम में गाली थोड़ी देगा, अभी एक्चुअली अभी देखो उसने इतनी फैन फॉलोइंग कर ली है, सो इवन इफ मुनव्वर इज बिकमिंग द विनर सो ही कांट टॉक बैड, राइट? वो अगर विनर के बारे में समझो, अगर इसको अवार्ड मिल रहा है मैं जाके बोलूंगी अरे यार ये चार लड़कों को डेट करते हैं, ऐसा थोड़ी मैं बोलूंगी। लेट मी से समथिंग, इवन अभिषेक डिड सो मच बैड थिंग अबाउट ईशा ना, उसने अच्छा भी तो किया है, चिंटू उसको खुलेआम किस कर रहा है, वो चलेगा वो सबके सामने, नहीं चिंटू ने एक में क्या बोला था, नहीं तू मत, लेकिन अभिषेक ने क्या बोला था, नहीं भाई उसको भूखा मत रहने, तो तू खाना खा ले, तू भले मेरे से बात कर मत कर, तू झगड़ा कर पर तू खाना खा ले, और चिंटू ने सबके सामने बोल दिया कि तू खाना मत खाना, और मुनव्वर ने इस चीज पे कॉल आउट भी किया था चिंटू को कि देख अभिषेक इतना अच्छा चाहता है और तू इतना बुरा चाहता है, ये फर्क नहीं, इतना डीपली देखे बिग बॉस को डूड यार, मैंने बिग बॉस नहीं देखा है, हाउ डू यू नो सो मच अबाउट, हां लाइक रील्स पे अगर थोड़ा बहुत लाइक अप टू डेट तो रहना पड़ेगा ना, अभी अभी आप जैसे लोग आके माइक दे देंगे तो भाई पड़ेगा। ओके नाउ इट्स ऑन मी लाइक एवरी आफ्टर मुनव्वर अभिषेक, नाउ आई एम गोइंग, अच्छी बात है ना, बट ठीक है टाइम। आपके फेवरेट बिग बॉस विनर एमसी स्टैन और मुनव्वर फारूकी? मुनव्वर फारूकी, मुनव्वर 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 फारूकी है, क्यों मुनव्वर क्यों लाइक इस टाइम क्यों मुनव्वर, क्योंकि भाई हमको अच्छा लगता है वो, और हमारे इधर का भी डोंगरी का ये होगी तो इसलिए उसको फुल सपोर्ट, हां डोंगरी साइड के ही है इसलिए हम लोग को अच्छा ही लगता है मुनव्वर, और बंदे में क्या अच्छा लगता है लाइक उसके अंदर इसके गुड क्वेश्चन, उसकी शायरी शायरी पे तो सब है भाई, इसकी शायरी की वजह से शायरी बहुत अच्छी लगती है, शायरी अच्छा करता है, स्टैंड अप भी अच्छा करता है, रैपर भी अच्छा है, सब ऑलराउंडर है वो एक तरीके से, सही। ओके तो आपके फेवरेट बिग बॉस विनर कौन है, एमसी स्टैन और मुनव्वर फारूकी? मुनव्वर फारूकी, मुनव्वर मुनव्वर क्यों स्टैन क्यों नहीं बताओ ना, प्लस वन मत रिस्ट्रैक्ट मत कर मार दूंगी, मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। तो मुझे वो अच्छा लगता है, मैं उतना बिग बॉस देखती नहीं हूँ और मैंने उसके बारे में इतना वो नहीं मतलब जानी नहीं हूँ मैं, वो गाना गाता है आई थिंक, गाना गाता है ना वो, सिंगर है सिंगर, तो उसके बारे में उतना पता नहीं, तो मेरे को वो अच्छा लगा बिग बॉस में, तो मैं इसलिए उसको वोट दिया। बिग बॉस देखे तुमने? हाँ बिग बॉस तो मैंने देखा, तो मुनव्वर? हाँ मुनव्वर, मुझे भी मुनव्वर ही है, स्टैना भी है पर मुनव्वर ज्यादा है। ओके स्टैना नया नाम है स्टैनी का, और गुड ओके ओके एमसी स्टैन, मैंने एल्विस और मुनव्वर पे बना चुका हूँ मैं, इसके लिए नहीं बना रहा हूँ। तुम्हारा एमसी स्टैन ओके, तो स्टैन ही क्यों, एमसी क्यों, मुनव्वर क्यों नहीं? उसका लाइफस्टाइल अच्छा लगता है एमसी स्टैन का, ठीक है, मतलब जो वो हिंदी को ज़्यादा प्रेफर करता है इसलिए सपोर्टिव है। तुमको? मेरा बस सेम। और मुनव्वर नहीं क्या? मुनव्वर है पर ऐसा देखा जाए तो एमसी स्टैन थोड़ा बेटर है। मुनव्वर फारूकी को जानता हूँ ज़्यादा, मतलब क्लिप्स ज़्यादा देखे पर मैं देखता नहीं हूँ बिग बॉस, मैं इतना बिग बॉस नहीं देखता, लेकिन मैं एमसी स्टैन ज़्यादा। तो मुनव्वर का मुझे इतना नहीं, मैंने उसके दो तीन ऐसे मतलब स्टैंड अप कॉमेडी शोज वगैरह में देखा है,
लेकिन एमसी स्टैंड का ज़्यादा फेम मुझे लगता है, रैप भी, रैप भी उसका। आपको मुनव्वर कैसे मतलब उसके में शायरीज और लाइक कॉमेडी स्टैंड अप वो सब देखा हो तो आई थिंक वो बेटर है थोड़ा, तो एटलीस्ट लगता है मेरे को। मुनव्वर फारूकी, मुनव्वर एमसी स्टैंड मुनव्वर फारूकी साहब। क्यों एमसी स्टैंड क्यों बोले तुमने? लोगों उसका लाइफ स्टाइल अच्छा लगता है। ओके, और मुनव्वर का इतना नहीं है? नहीं। तुमको एमसी स्टैंड थोड़ा छपरी लगता है? थोड़ा छपरी लगता है। मुनव्वर थोड़ा उसकी लाइफ स्टाइल थोड़ा अच्छी है, थोड़ा डिसेंट दिखता है। एमसी स्टैंड तो फुल छपरी है, मुनव्वर फारूकी की शायरी उसकी बात बहुत प्यारी है। वो भी रैप करता है, रैप भी, रैप अभी दो निकाल आया था, नहीं बहुत आ गया, 10 आ गया उसके गाने, मैं सुनता हूँ उसके रैप भी अच्छे, पर मेरे को फारूकी अच्छा लगता है, मुनव्वर बहुत भारी दिखते हैं। MC Stan क्यों MC क्यों? मुनव्वर क्यों? रैप बहुत अच्छे है इसलिए, नाम अच्छा लगा, रैप यस। और मुनव्वर क्यों नहीं? मुनव्वर भी बहुत अच्छा है, मुनव्वर भी अच्छा, हाँ उसकी वॉइस बहुत अच्छी है, मुझे तो वॉइस उसकी अच्छी लगती है। फेवरेट वाले को MC Stan। तुमको MC Stan क्यों अच्छा लगता है? ज़्यादा तो कुछ नहीं देखता नहीं, तो MC Stan मेरे को अच्छा लगता है, उसके पोर्ट वगैरह तो अच्छे लगते हैं। तो उसके रैप आप सुनते हो? हाँ सुनते हो, अच्छे लगते हैं। ओके, आज आप लोगों ने वीडियो देख लिया, आप लोगों ने ये भी देख लिया किसके फ़ैन ज़्यादा मिले, किसके वीकेंड से चाहने वाला ज़्यादा मिले, मुनव्वर फारूकी के और MC Stan के। एंड अगर मैं बताऊँ तो मतलब मैं रैप भी सुनता हूँ और फ़ैन भी मैं हूँ MC Stan का, लेकिन MC Stan का मैं फ़ैन इसके लिए हूँ क्योंकि वो रैप करता है, और जहाँ तक रैपिंग की बात है तो मुनव्वर भी करता है, और मुनव्वर की रैप ना मैं ज़्यादा रिलेट कर पाता हूँ क्योंकि उसकी आवाज़ ना थोड़ा क्लीन में आती है। मतलब स्टैनी की सुनने के लिए आपको प्रोफेशनल लिसनर होना चाहिए, मतलब बहुत हार्ड रैप को आपको बहुत नॉलेज होना चाहिए तब आपको स्टैनी की रैप समझ में आती है, बट मुनव्वर की रैप नॉर्मली भी आप समझ सकते हो। तो मैं उतना डीप लिसनर नहीं हूँ रैप का, इसके लिए मेरे को लगता है मुनव्वर के रैप को मैं ज़्यादा समझता हूँ, तो या मेरे लिए मुनव्वर फारूकी, क्योंकि मैं वैसे भी मुनव्वर का ज़्यादा फ़ैन हूँ MC Stan से ज़्यादा, क्योंकि मैं बिग बॉस में भी देखा था, लॉकअप भी देखा था, और मैं स्टैंड अप कॉमेडी भी बहुत देखता हूँ, तो या मेरे लिए मुनव्वर फारूकी। बाकी आप लोग क्या लगता है आप लोग कमेंट करके बताओ, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।